आपने किसी मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को शायद ही कभी साइकिल चलाते देखा हो, लेकिन हरियाणा की सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साइकिल पर सवार होकर जब सड़क से गुजरे तो लोग उन्हें आश्चर्य से देखते रहे। दरअसल हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने और स्वास्थ्य के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते ही राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बाकी मंत्री और विधायकों ने साइकिल चलाई और विधानसभा तक पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के विधानसभा मॉनसून सत्र के आखिरी दिन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे मंत्रिमंडल के साथ साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। सीएम पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए अपनी लग्जरी गाड़ी का त्याग कर साइकिल से विधानसभा आए। चंडीगढ़ में सीएम निवास सेक्टर 2 से विधानसभा की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जिसे सीएम ने साइकिल से तय किया। देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है ये, सांकेतिक एक प्रकार का कार्यक्रम है और लोगों को साइकिलिंग करना चाहिए, लोगों को अपनी कारें छोड़ देनी चाहिए, साइकिलों पर कम से कम वीकली एक दिन जरूर चलना चाहिए। इस दौरान मनोहर लाल के साथ साइकिल पर खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री करण देव कम्बोज, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, मंत्री नायाब सिंह सैनी और विधायक सुभाष वर्नाला भी साइकिल पर सवार थे। ये मोटिवेशन के लिए है, प्रेरणा के लिए है, बाकी लोग, यूथ लोग, सब नौजवान लोग इस रास्ते पर आगे आए और ये मोटिवेशनल एक्टिविटी है। यहाँ तक कि मुख्य संसदीय सचिव श्याम सिंह राणा रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे। उनके रिक्शे में मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा और सीएम के चीफ राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा बैठे थे। हमारे भारतवर्ष में रिक्शा चालक बहुत है, उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए भी रिक्शा चलाना कोई बुरी बात है, इससे एक उत्साह मिलेगा रिक्शा चालकों को। हमारे यहाँ रिक्शा चालक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सारे प्रदेशों में है, साइकिल चलाना भी अच्छी बात है। 62 साल के मनोहर लाल का साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचना अपने आप में ये संदेश है कि साइकिल चलाना सेहत के लिए भी अच्छा है, साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक अच्छा कदम है। ये सांकेतिक एक प्रकार का कार्यक्रम है और लोगों को साइकिलिंग करना चाहिए, लोगों को अपनी कारें छोड़ देनी चाहिए, साइकिलों पर कम से कम वीकली एक दिन जरूर चलना चाहिए। सेहत और पर्यावरण को बचाने का संदेश लेकर साइकिल पर विधानसभा पहुंचने की शुरुआत हरियाणा से कुरुक्षेत्र से बीजेपी विधायक पवन कुमार की है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन पवन कुमार सैनी कुरुक्षेत्र से लगभग 110 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर चंडीगढ़ में विधानसभा पहुंचे। लेकिन अगर छोटे छोटे काम हम साइकिल पे करेंगे, आपस में बाजार मंडी में जाना, कुरुक्षेत्र में या अपने शहर में थोड़ी ही दूर के लिए साइकिल पे अगर हम जाएंगे हम, तो स्वस्थ शरीर रहेगा। तो जो मोदी जी का लक्ष्य है, माननीय मनोहर जी का लक्ष्य है, स्वस्थ हरियाणा, स्वस्थ भारत। ये पहला मौका नहीं है जब कोई नेता पर्यावरण बचाओ आंदोलन के लिए अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर साइकिल से सदन पहुंचा है। पिछले साल बजट सत्र के दौरान बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल साइकिल से संसद पहुंचे थे। हमें इंटीरियर पार्ट में भी साइकिल से जाना चाहिए। मैंने तय किया कि मैं मेरे बीकानेर के संसदीय क्षेत्र के इंटीरियर पार्ट में जब भी जनसंपर्क करने जाऊंगा, मिलने जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा। अपने शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नेताओं की पहल काबिले तारीफ है, क्योंकि साइकिल चलाकर ना सिर्फ लोग अपनी सेहत बना सकते हैं बल्कि धरती पर भी कृपा ही करते हैं, क्योंकि अगर आप साइकिल को अपनाएंगे तो गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन से पर्यावरण को बचाने का शुभ काम भी करेंगे। साइकिल चलाने से ना सिर्फ सेहत और वातावरण को फायदा होगा बल्कि साइकिल को अपने सफर का साथी बनाने से आप ट्रैफिक जाम की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर रोज ट्रैफिक जाम की वजह से देश की राजधानी दिल्ली के लोगों के 90 मिनट औसतन बर्बाद हो जाते हैं, यानी रोज 90 मिनट तक दिल्ली वालों की कार सड़क पर हिल भी नहीं पाती। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास की हवा जहरीली हो चुकी है, जिसकी बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण है। WHO के मुताबिक शहरों में रहने वाली दुनिया की 80% आबादी वायु प्रदूषण का सामना कर रही है। WHO की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीब और विकासशील देशों के 98% शहरों में प्रदूषण का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा है। WHO के डाटाबेस में 103 देशों के 3000 से ज्यादा शहर शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि जहरीली हवा लोगों को स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लंग कैंसर और सांस से संबंधित बीमारियां देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हवा में प्रदूषण की वजह से हर साल 30 लाख लोग मारे जाते हैं। तो देर किस बात की, प्रदूषण कम कर दें, सेहत बनाने
और जाम से बचने के लिए साइकिल का हैंडल संभालिए और शुरुआत कीजिए बेहतर भविष्य की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साइकिल चलाने से पर्यावरण को तो फायदा होता ही, आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है। कुछ फायदे हम आपको बताते हैं। दिल को सेहतमंद और सुरक्षित रखने में मददगार होता है ये। अगर आप हर रोज कुछ देर के लिए भी साइकिल चला लेते हैं तो आप दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा जो है वो आपको नहीं होगा। इससे धड़कन तेज होती है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। इसके अलावा मांसपेशियों की मजबूती के लिए साइकिल चलाने से पैरों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। इसके अलावा वजन घटाने का बेहतरीन उपाय है नियमित रूप से साइकिल चलाना और कुछ ही दिनों में आप वजन कम कर सकते हैं। ये शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को घटाने में मददगार होता है। रोजाना साइकिल चलाकर आप फिट और एक्टिव बॉडी पा सकते हैं। साथ ही इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में भी मददगार होता है। रोजाना साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही तनाव से राहत दिलाने में भी मददगार होता है रोज साइकिल चलाना। तो जो लोग रोज साइकिल चलाते हैं वो डिप्रेशन के शिकार नहीं होते हैं, उनमें डिप्रेशन के शिकार होने की आशंका बहुत कम होती है।